नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब उनके पूरे परिवार की कोरोना रिपोर्ट भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अब रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया था और अब बहू ऐश्वर्या और उनकी जो पोती है आराध्या, दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि आपको इस बीच ये भी बता दें कि जो जया बच्चन है, अमिताभ बच्चन की पत्नी, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी पूरा अमिताभ परिवार जो है, अमिताभ बच्चन का परिवार, सिर्फ जया बच्चन के अलावा पूरे परिवार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जया बच्चन के अलावा अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और जो उनकी पोती है आराध्या बच्चन, वो भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। हालांकि सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सभी को वहां के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जब अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो भी जारी किया था। हम आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखा दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने साफ कहा था कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कोरोना कितना खतरनाक है। हालांकि उन्होंने अपनी वीडियो में ये साफ कहा था कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है और अब सभी को क्वारंटाइन में रहना होगा। तो आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं जो अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो जारी किया था उनकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई थी उसके बाद। ये वीडियो देख रहे हैं आप, आपको वीडियो सुनाते हैं कि अमिताभ बच्चन ने क्या कुछ कहा था। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। आई एम वांटिंग टू एंड द स्टाफ एट नानावती हॉस्पिटल फॉर देयर ट्रेमेंडस वर्क दैट यू आर डूइंग इन दीज वेरी ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस। अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत, एक बिलबोर्ड लगा जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है, क्योंकि भगवान अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस कर रहे हैं, आप में एक इतनी मेहनत के साथ के लिए काम कर रहे हैं, जीवनदायी बन गए हैं। बहुत ही और आप ना होते तो ना कहता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। दे आर ट्राइंग टाइम्स, एवरीवन इज बीइंग वर्क टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स। देयर इज ऑलवेज फियर, देयर इज There's perhaps a depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope to come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors, and the people that are working there, the staff. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है। और जैसे मैंने कहा, आप सब जो हैं तो देखा आपने कि जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, साफ कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, उनका पूरा परिवार फिलहाल कोरोना की चपेट में है। सिर्फ जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट पहले ही पॉजिटिव आई थी। जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या भी कोरोना संक्रमित पाई गई है।
ऐश्वर्या के अलावा पूरा परिवार, माफ कीजिएगा, जया बच्चन के अलावा पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। और अब उनके जितने भी स्टाफ है जो उनके घर में काम करते हैं, सभी की रिपोर्ट फिलहाल जांच के लिए भेज दी गई है और उनके रिपोर्ट भी अब इंतजार किए जा रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही पूरा परिवार का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, कई कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आएगी। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का कोहराम किस हद तक बढ़ता जा रहा है। शती के महानायक अमिताभ बच्चन पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। आज जो रिपोर्ट सामने आई है, बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन नानावती अस्पताल में, दोनों आइसोलेशन सेंटर में भर्ती हैं। ऐश्वर्या और आराध्या को भी वहां शिफ्ट किया जा रहा है और तमाम नियमों को ये लोग अब फॉलो करेंगे और क्वारंटाइन में रहेंगे। और हालांकि जितने भी इनके गार्ड हैं जो इनके घर पे काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। सभी की जांच हो गए हैं और जो उम्मीद की रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, कई गार्ड, कई इनके घर में जो काम करने वाले हैं, उनकी रिपोर्ट भी अब कोरोना पॉजिटिव ही आएगी। और जिस हिसाब से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वो हैरान करने वाला है। अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अगर देश भर की बात करें तो 8.5 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित अभी तक पाए जा चुके हैं। 5,36,000 लोगों ने कोरोना को हराया है। लेकिन कोरोना का रफ्तार तेजी से बढ़ता जा रहा है। 22,000 के करीब लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। इसलिए लगातार आपसे अपील की जा रही है कि आप नियमों का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। क्योंकि अभी बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कई इलाकों में, कई जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। राजधानी पटना समेत 11 जिलों को लॉकडाउन किया गया है और एक बार फिर से सख्ती बरती जा रही है। बिना मास्क लगाए अगर कोई सड़क पर निकल रहा है तो उससे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। जैसा कि जो अभी अपडेट हमने आपको बताया है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। सिर्फ पत्नी जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीमारी कितनी भयावह है। इसलिए एक बार फिर से हम आप सब दर्शकों से, जितने भी आप दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम दर्शकों से ये अपील करेंगे कि आप नियमों का पालन करें, कोरोना को हल्के में ना लें, अपनी रक्षा स्वयं करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।